नमस्कार। पीएसएम के इस नए टॉपिक में अब हम बात करेंगे ड्रग रेसिस्टेंस के बारे में। हम सबसे पहले एमडीआर की बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सडीआर की बात करेंगे। तो एमडीआर, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस, एमडीआर होता क्यों है? इसमें रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड के लिए मिनिमम इन दोनों के लिए रेसिस्टेंस होना चाहिए। दूसरे ड्रग के लिए रेसिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इसके लिए होना चाहिए, तभी हम एमडीआर टीबी कहते हैं। याद रखना है, सिंगल आइसोनियाजिड या रिफेम्पिसिन के लिए रेसिस्टेंस हो तो उसे एमडीआर नहीं कहा जा सकता है। हम जानते हैं हमारे पास कुछ करंट जो एडवांस टेक्निक्स हैं, उससे हम इस रेसिस्टेंस को पता कर सकते हैं। इसमें एच और आर दोनों के लिए रेसिस्टेंस होता है, जिसमें सीबी नेट की मदद से हम रिफेम्पिसिन के रेसिस्टेंस को पता कर सकते हैं। और यह रिजल्ट अगर रिफेम्पिसिन के रेसिस्टेंस के बारे में जानकारी दे देता है, तो हम यह मान लेते हैं कि वह पेशेंट आइसोनियाजिड के लिए भी रेसिस्टेंट होंगे। यानी सीबीनेट अगर रेसिस्टेंस फॉर रिफेम्पिसिन अगर बता रहा है, तो हम इस रिजल्ट्स को एज ए प्रॉक्सी आइसोनियाजिड के लिए भी मान सकते हैं कि उसके लिए भी रेसिस्टेंस होंगे। तो एमडीआर टीबी का मामला ऐसे पता किया जाता है। एक्सडीआर टीबी, जिसके लिए कहा जाता है कि इसमें किसी भी फ्लोरोक्विनोलोन्स के लिए रेसिस्टेंस हो, पहला क्राइटेरिया किसी भी एक फ्लोरोक्विनोलोन्स के लिए रेसिस्टेंस, जैसे लिवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के लिए रेसिस्टेंस हो। इसके अलावा सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल जो एटीटी हैं, एटीटी ड्रग्स हैं, जैसे एमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, इनके लिए रेसिस्टेंस हो। और आइसोनियाजिड रिफेम्पिसिन के लिए तो रहेगा ही, बात समझ रहे हैं आप। आइसोनियाजिड रिफेम्पिसिन के अलावा किसी भी फ्लूरोक्विनोलोन्स के लिए रेसिस्टेंस और सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग्स के लिए रेसिस्टेंस होना यहां पर जरूरी होता है। तो एमडीआर का क्राइटेरिया के अलावा एडिशनली फ्लोरोक्विनोलोन्स के लिए रेसिस्टेंस, लिवोमॉक्सी, ओफ्लॉक्सा किसी के लिए भी हो। इसके अलावा तीसरा गाइडलाइन यह है कि क्राइटेरिया यहां पर माना जाता है सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल्स को। याद रखना है, एमडीआर के बाद दो और प्लस यहां पर इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए, तभी हम एक्सडीआर मानते हैं। अब सवाल यह है कि एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी तो समझ लिया, एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट कैसे चलाएंगे, एमडीआर टीबी को कैसे ट्रीट करेंगे। एमडीआर टीबी के पेशेंट्स का टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स 24 से लेकर 27 मंथ्स तक जा सकता है। इसके शुरुआती 6 मंथ्स तक के ट्रीटमेंट के लिए 6 ड्रग्स दिए जाते हैं और कंटिन्यूएशन के फेज में 4 ड्रग्स दिए जाते हैं। कौन से ड्रग्स इनिशियल 6 मंथ्स में दिए जाएंगे, बाकी के 18 मंथ्स के लिए कौन से ड्रग्स दिए जाएंगे, उसको अभी हम एक कोड से याद कर लेंगे, तो इस नाम के कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। पेशेंट्स को कैसे दिया जाएगा उसको समझ लें। यहां सभी के सभी 6 डेज इन अ वीक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में पेशेंट्स को ड्रग दिया जाता है। 7th डे यानी संडे को ओरल ड्रग्स अनसुपरवाइज्ड एडमिनिस्टर किया जाता है। इसमें भी अगर पेशेंट्स इथियोनामाइड और साइक्लोसेरिन के लिए इनटॉलरेंट हों, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम पास से इसे रिप्लेस करते हैं और डोज को फिर हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। यहां 100 mg पायरेडॉक्सिन हम देंगे, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कारण बन सकता है, यहां पर साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए 100 mg पायरेडॉक्सिन हम प्रोफाइलेक्टिकली सभी एमडीआर टीबी के पेशेंट्स को देंगे। फॉलोअप शेड्यूल भी यहां पर बनाई जाती है। इसमें ड्रग कैसे दिए जाएंगे, उसका कोड क्या है, उसको अब डिकोड कर लेते हैं। टोटल 24 से लेकर 27 मंथ्स तक ट्रीटमेंट चलता है। अगर इंटेंसिव फेज 6 मंथ का रहा तो टोटल ड्यूरेशन 24 मंथ का होगा, अगर इंटेंसिव फेज 9 मंथ्स तक खिसक गया तो टोटल ड्यूरेशन 27 मंथ्स तक जा सकता है। यह इंटेंसिव फेज आमतौर पर 6 मंथ का होगा और कंटिन्यूएशन फेज 18 मंथ्स का होगा, दोनों को ऐड करें तो 24 मंथ्स बनते हैं। अगर इसको 9 मंथ्स का कर दें तो ये ड्यूरेशन 27 मंथ्स का हो जाता है। तो यहां डेली
ड्रग दिया जाता है और वो भी ऑब्जर्वेशन में, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ड्रग्स को देते हैं, अनसुपरवाइज्ड। केवल संडे को हम ड्रग्स देंगे। ड्रग कौन कौन से देंगे उनका भी नाम देख लें। यहां जेड ई कोक ड्रग दिया जाता है, इसमें जेड ई फर्स्ट लाइन ड्रग है और कोक सी ओ के ई यह सेकेंड लाइन ड्रग है। इसे डिकोड करें तो आप समझ सकते हैं सी साइक्लोसेरिन, ओ ओफ्लॉक्सासिन, के कैनामाइसिन और ई इथियोनामाइड। इस तरीके से ड्रग्स हैं। जेड है पायरोजिनामाइड और पायराजिनामाइड और ये है एथम्ब्यूटॉल। तो इस तरीके से जेड ई कोक का कोड याद रखना है। ये सिक्स ड्रग्स सिक्स मंथ के लिए, ड्यूरेशन नाइन मंथ तक जा सकता है। इसमें से हम ई को, सी को, ओ को और ई को, यानी ई सी ओ ई, आप देखें इन ड्रग्स को कंटिन्यूएशन के फेज में देते हैं। यही वजह है कि हम सभी पेशेंट्स में प्रोफाइलेक्टिकली 100 mg डोज तक पायरेडॉक्सिन देते हैं। करंटली एक नई ड्रग एमडीआर टीबी के लिए इजाद की गई है, डेवलप की गई है, उसका भी नाम हमें पता होना चाहिए। इस ड्रग का नाम है बेडाक्विलिन। इस ड्रग्स के आ जाने के बाद एमडीआर टीबी के मामलों में क्योर के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। यहां आप देखें बेडाक्विलिन, जिसको सर्ट्यूरो के नाम से मार्केटिंग किया जा रहा है। इस ड्रग्स के आ जाने के बाद एमडीआर टीबी के मामलों में 60% तक मोर्टेलिटी घट गई है। यह ड्रग बेडाक्विलिन एक्चुअल में डाई एराइल क्विनोलोन्स है। इसने काफी हद तक मोर्टेलिटी को कम कर दिया है। यह डाई एराइल क्विनोलिन ड्रग नई ड्रग है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है।